लीजिए दोस्तों, आ गई भरमा शिमला मिर्च। एकदम सही तरीके से बनाएंगे हम बहुत बढ़िया से। कई बार क्या है, घर में कई लोगों को ये शिमला मिर्च पसंद नहीं होती, पर हम भरवा बनाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, सभी को पसंद आएगी। बड़े तो बड़े, बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, बल्कि हर बार मांग करेंगे मम्मी इसी तरह से बनाइए, एकदम बढ़िया तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना जल्दी से ही शुरू करेंगे, पर उससे पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो दोस्तों बारिश के मौसम में काफ़ी सारी शिमला मिर्च आ रही हैं, छोटी वाली शिमला मिर्ची हमें भरकर बनानी चाहिए हमेशा ही। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है, बस इसको एकदम साफ़ करके एकदम सूखा करके ले पोंछ कर अच्छे से धोकर। और दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर और 6 से 7 काजू जो मैंने पानी में भिगो कर रखे हैं, ये ज़रूर डालेंगे क्योंकि हम सही तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 6-7 काफ़ी होंगे, बस ये चीज़ें तो चाहिए ही होंगी। अभी मैं बताऊंगी आपको, अगर इस तरह की शिमला मिर्च है तो इसको बाद में हम आगे से कट कर सकते हैं। जैसे इसको टिकाने में बहुत मुश्किल पड़ती है जब हम भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं, तो बताती हूँ मैं आपको इसको किस तरह से तैयार करना है। इनके जो है, पहले तो इनके ऊपर से डंठल काटते हुए बीज निकालने हैं हमें अच्छे से साफ करके। बस देखिए, इस तरह से कोई भी नोक वाला चाकू ले लें, इस तरह से पहले पीछे से इसकी डंठल काट दें और पूरे बीज निकाल दें। बस कोशिश करें कि ये चारों तरफ से फटनी नहीं चाहिए, अच्छे से बस इस तरह से होल कर लें इसमें डंठल की तरफ और पूरे बीज निकालने की कोशिश करें। वैसे बीज भी इसके हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी, पर हमें इसमें ज़रूरत नहीं है इसकी। आप चाहें तो इनको स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। बस इसी तरह से सारी शिमला मिर्च अपनी तैयार कर लेंगे हम फटाफट से। मैंने 7-8 शिमला मिर्च ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी भी बनाऊंगी बस उतनी, जितनी अभी यूज करनी होंगी उतनी बनाऊंगी। और हाँ दोस्तों, वैसे तो ये सब्ज़ी बड़ी मज़े की लगती है भरवा शिमला मिर्च की, पर कभी भी इसको रख कर यूज ना करें, ये तुरंत ही खाने में अच्छी लगती है गर्म गर्म ही। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया है कई बार। अभी देखिए, हमने ये बिल्कुल तैयार कर लिए एकदम बीज निकाल कर, इनको हम साइड पर रखते हैं, अगली तैयारी करते हैं। बस दिखाती हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे अभी हम। पहले स्टफिंग के लिए इनको देखिए साइड पर रख दिया, मैंने 3 शिमला मिर्च इनमें से बचा ली हैं, बहुत छोटी छोटी शिमला मिर्च का यूज़ किया है मैंने इसके लिए। बस देखिए, आलू लिए हैं मैंने उबाल कर इसके लिए और ठंडा कर लिया है एकदम। बस इसी तरह से हाथ से इनको हल्का सा क्रश कर लिया है, ना कि कद्दूकस वगैरह से। इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे रहते हैं तो अच्छे रहते हैं उसमें स्टफिंग में। एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं बढ़िया सा। बस एक चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, नॉर्मल वाला ही लिया है दोस्तों, कोई कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नहीं लिया है, क्योंकि स्टफिंग में तो हम कैसा भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी अंदर ही जाने वाली है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस तरह से करने से क्या, भिगो कर रखेंगे, बढ़िया बनते हैं हमारे मसाले और बार बार जल्दी जल्दी हमें डालना भी नहीं पड़ता है वहाँ पर, एक साथ ही हो जाता है सारा काम। तो इसीलिए हम ये मसाला तैयार करके रख रहे हैं और प्याज वगैरह का भी अंदर यूज नहीं करेंगे हम स्टफिंग में। ये यहाँ पर सादा वाला नमक, थोड़ा सा काले नमक का भी यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर करिए शुरू में नमक का यूज, और थोड़ा सा बाद में ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी यूज होगा। ये यहाँ पर काला नमक थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून लगभग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जरूर डाल दीजिए अंदर से, अच्छा रहता है, स्टफिंग सुंदर लगती है देखने में। अब 1 टीस्पून डालेंगे हम अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर जरूर डालिए, खट्टा सा टेस्ट अच्छा आएगा इसमें ज़रूर से। और मैं इसमें दोस्तों एक सीक्रेट मसाले का भी यूज करूँगी, वो आपको अभी मैं दिखा रही हूँ, बस बता रही हूँ इसके बाद ही वो क्या। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डाल दीजिए, नहीं तो फिर उसकी जगह पे आप थोड़े से नींबू के रस का यूज करिए। ये चाट मसाला है मेरे पास, इसमें भी सब तरह के नमक होते हैं, बहुत अच्छा होता है। चाट मसाला भी ज़रूर से डाल लीजिए अगर है तो, नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर किचन किंग मसाले का यूज करिए। ये 1 टेबल स्पून लगभग डाल रही हूँ मैं अनारदाना, यही हमारा सीक्रेट मसाला है, बहुत अच्छा रहता है, इसको ज़रूर से डालिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है अनारदाने का पाउडर। इसको हमें समोसे वगैरह में, इन चीज़ों में हमेशा यूज करना चाहिए, और कोई भी स्टफिंग बना रहे हैं तो। अब इसको पानी डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से, इससे क्या है ये अच्छे से फूल जाएगा और जब हम मसाला बनाएंगे इसका तो ये जलेगा भी नहीं जब हम ऐड करेंगे तेल वगैरह में, क्योंकि हम अभी अंदर में प्याज वगैरह का यूज नहीं करने वाले हैं। बस इसको अच्छे से घोल कर रख दीजिए। चलिए अब हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं, जब तक हमारा ये मसाला भी तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और नॉर्मल वाली कढ़ाई का, एल्युमिनियम कढ़ाई का ही मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन भारी तले की का। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसका यूज करिए स्टफिंग बनाने में। वैसे हम कर लेते हैं नॉन स्टिक कढ़ाई का भी यूज, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लगभग तेल डाल दिया है, बस इसमें अभी पहले जीरा वगैरह डालेंगे गर्म होने पर।
बस जब हमारा तेल अच्छे से पक जाए तब जीरा ऐड करिए। सरसों का तेल है तो अच्छे से पका लीजिए। मेरे पास ये पहले से थोड़ा सा गर्म किया हुआ तेल था, एक बार यूज किया हुआ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। इसको आँच को सिम पे कर दिया है, थोड़ी सी हींग चुटकी पर, बल्कि थोड़ी सी और डाल देती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मैंने हींग का यूज किया है। अपनी हींग के हिसाब से यूज करिए, जैसा भी आपकी हींग का फ्लेवर है। ये यहाँ पर धनिया और सौंफ का पाउडर 1.5 चम्मच भर के डाल दिया है। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है किसी भी स्टफिंग में। और गैस को एकदम या तो बंद कर दीजिए, सिम पे कर लीजिए इस समय पे, नहीं तो फिर ये सूखे मसाले हमारे जल जाएंगे। ये कसूरी मेथी, इसको भी डाल दीजिए 1 टेबल स्पून भर के। इसी तरह से बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। हल्का सा भून लीजिए इसको इस तरह से। अब जो हमने अपने मसाले पानी में भिगो के रखे हैं वो ऐड कर देते हैं और इसको सीम आँच पर ही थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दें। कच्चा नहीं रखना है इनको भी, हमें अच्छे से भून कर यूज करना है। ये यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च काट कर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने तुरंत के तुरंत काटी है दोस्तों, बारीक बारीक काट कर यूज़ करी है। मेरे शुरू में याद नहीं रही थी कि मुझे इसको भी काट कर लेना है, साइड पर रखी रह गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही काट लिया है जल्दीबाजी में। बस देखिए हमारा मसाला भुनकर एकदम तैयार है, तेल भी छोड़ दिया इसने, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब आलू ऐड कर देंगे जिन मसालों का हमने इसमें यूज किया है। उसके बाद हमें प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक कुछ भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर में बहुत बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार होगी हमारी। बस इसको मिक्स करेंगे और आँच को रखेंगे मीडियम पे, इसी तरह से भून लेंगे अच्छे से। बस देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है। और वैसे भी इसी तरह का कलर अच्छा लगता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम हम कश्मीरी मिर्ची का यूज करें तभी बढ़िया वाला कलर आए। बढ़िया सी स्टफिंग दिख रही है ना हमारी। बस इसमें मैंने हरा धनिया यूज कर दिया है दोस्तों, वहाँ पर मेरा कैमरा बंद रह गया था, अभी डाल दिया है काट कर, काफ़ी सारा डालिए अगर आपके पास है। ये हमारी तैयार है, बस इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जो नीचे लग जाती है उसको भी खुर्च लीजिए, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी लगती है वो भी टेस्ट में। बस इसको ठंडा करेंगे, अगली तैयारी करेंगे। अब ये वापस से मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है इस बार, इसमें क्या है अब हम अपनी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए साथ साथ वो भी पकती रहेगी, फिर हम तब तक हमारी स्टफिंग भी तैयार हो जाएगी, मिर्ची भरकर तैयार कर लेंगे। तेल डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून फिर से, आप चाहें तो थोड़े से कम तेल का भी यूज कर सकते हैं इससे। अब ये यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं मैंने, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। और इसमें कोई खड़े मसाले का यूज़ नहीं करना है, बस ये 2 तेज़पत्ते ही काफ़ी हैं, इनका ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा एकदम। अब जो हमने प्याज काट कर रखी है उसको ऐड करेंगे इसमें, चाहे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हींग का यूज कर सकते हैं आप। बस ये चुटकी भर हींग भी डाल दिए मैंने, प्याज काट कर डाल देते हैं इसमें। मैंने 2 प्याज जो पहले से छील के रखी थी वही काट कर ली है एकदम बारीक इसी तरह से, और इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस बताऊंगी आगे क्या चीज़ें ऐड करनी है। बस इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है थोड़ा सा, एकदम कम ही आज मेरे पास बना हुआ, इतना सही डाल दिया, इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इनको बिना प्याज के ही बनाना चाहते हैं एकदम, तो यहाँ पर आप जो मैंने टमाटर बताए 3 टमाटर ले लीजिए 2 की जगह पर, और थोड़ा सा काजू बढ़ा दीजिए, बस वो ऐड कर दें इस समय पे तुरंत कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालकर, इतना सा अंतर हो जाएगा बिना प्याज वाली में। अब यहाँ पर हम नमक का यूज करेंगे, मैं सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, और ग्रेवी के हिसाब से करिए क्योंकि स्टफिंग में तो हम डाल चुके हैं पहले ही। ये यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पर ज़रूर यूज करिए अगर आपको अच्छा कलर चाहिए। 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया है मैंने इसको, और प्याज डालने के तुरंत बाद डालिए। अगर आप सिर्फ टमाटर यूज कर रहे हैं तो बस इससे पहले डालिए। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स करते जाइए और आँच को इस समय पर सिम पर रखिए। ये हमने जो टमाटर रखे थे उसका पेस्ट बना लिया है, और काजू भी इसी में डाल दिए हैं। बस इसको डालकर अभी इसकी भुनाई करनी है हमें, थोड़ा सा धोकर पानी डाल देते हैं अपनी कटोरी को। और हाँ दोस्तों, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको कोई पका कर नहीं लिया है टमाटर को, जब तक ये तेल ना छोड़ दें अच्छे से इसको भून लेंगे। अभी और बताऊंगी जो भी चीज़ मैं यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस अब कटोरी को धोकर ये पानी भी डाल देते हैं, चाहे तो इस समय पर गर्म पानी का यूज़ कर लें, उससे क्या और बढ़िया सा कलर आता है निखर कर हमारी सब्ज़ी का। हमें हमेशा वैसे गर्म पानी का यूज करना चाहिए इस समय पर, और आँच को एकदम सिम पे कर दीजिए इस समय पे, ताकि ये भी बनती रहे, हम अगली तैयारी भी कर लें। बस इसको ढक देंगे, चाहे तो ये छेद भी बंद कर दें, और बीच बीच में दोस्तों चलाते ज़रूर रहें। बस जब तक हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है, हम इनको भर लेते हैं अच्छे से मिर्चों को। और हाँ दोस्तों, बता दूँ आपको, कई लोग इनको फ्राई करके लेते हैं, कलर ख़राब हो जाता है, और कई लोग सोडे वाले पानी में थोड़ा सा उबाल लेते हैं 1-2 मिनट, ऐसा मत करिए। वैसे तो थोड़ा सा कलर तो हमेशा ही चेंज होता है, आप कोई भी ग्रीन वाली सब्ज़ी बनाइए बिल्कुल वैसा तो नहीं रहता है, वो तो सब कैमरे का कमाल होता है, कई लोग बिल्कुल वैसा ही दिखा देते हैं।
थोड़ा सा कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह से कच्ची रखिए, बहुत ज़्यादा पककर तो ये अच्छी भी नहीं लगती हैं दोस्तों। बस इसी तरह से भर लीजिए इनको, बस और अच्छे से भरिए दोस्तों। ये जो स्टफिंग भर रहे हैं दबा दबा कर, उससे क्या बढ़िया एकदम ये खुलेंगी भी नहीं उसमें, और इस चीज़ की कोई टेंशन मत लीजिए कि खुल जाएंगी, खुलती है वैसे भी नहीं है। सच बताऊं तो दोस्तों मेरे घर में भी वैसे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा सब पसंद नहीं करते, पर हमेशा ही पाई जाती हैं फ्रिज में, क्योंकि मैं चावल में कई चीज़ों में चाउमीन वगैरह कुछ भी बनाती रहती हूँ इस तरह से, तो उसमें ज़रूर यूज करती हूँ, उसके लिए ज़रूर चाहिए होती हैं। और आलू और शिमला मिर्च वगैरह की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, कभी कभी मैं प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है, मैंने रेसिपी भी डाल रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कई बार क्या है, जैसे मैंने बताया था दोस्तों शुरू में भी, ये मिर्ची हमारी टिक नहीं पाती है, तो इसको इतना सा पतला सा काट दीजिए, इससे कोई ये नहीं है कि स्टफिंग निकल जाएगी, ये फिर अच्छे से रुक पाएगी कढ़ाई में। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको प्लेन कर लीजिए, बस दो हमारी ऐसे लग रही थी मुझे, दोनों मैंने थोड़ी सी पीछे से काट दी हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। बस देखिए हमारी ग्रेवी ने भी तेल घी छोड़ना शुरू कर दिया है, बस इसको इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। और हमने इसमें काजू का यूज़ किया है, जैसा मैंने पहले बताया, मैं बीच में आकर इसको चला कर भी गई, इस तरह से ज़रूर चलाइए बीच में, नहीं तो ये सारी जल जाएगी तब तक। अब हम इसमें कुछ चीज़ों का और यूज़ कर लेते हैं। कसूरी मेथी एक टेबल स्पून डाल दीजिए इसी तरह से क्रश करके, चाहे तो हल्का सा भून कर डाल सकते हैं इसको रोस्ट करके। आँच को मैंने इस समय पर भी मीडियम पर ही रखा है। आधा टीस्पून चीनी डाल दीजिए, ज़रूर डाल दीजिए बेफिक्र होकर, कुछ मीठा नहीं होगा इससे, बल्कि टेस्ट बैलेंस करेगी, बहुत अच्छा टेस्ट बनाएगी, क्योंकि हमने खट्टे का यूज़ किया है इसमें, और थोड़ा सा हम मलाई या दही का यूज़ करने वाले हैं इसमें। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो दही का यूज़ कर लीजिए, नहीं तो क्रीम का यूज़ कर लीजिए, ज़रूर से यूज करिए, उससे ही तो ये शाही और रिच बनने वाली है। ये यहाँ पर मैं किचन किंग मसाले का यूज़ कर रही हूँ एक टीस्पून, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके बिना भी बन जाएगी। थोड़ा सा गरम मसाला हमने पहले ही यूज कर लिया है इसमें। ये यहाँ पर मैंने बस 2-3 टेबल स्पून मलाई ली है एकदम फ्रेश वाली, उसी को यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से फेंट के करिए, बस मैंने उसे ही डाल दिया, जल्दी जल्दी में मिक्स हो जाएगी इसमें, फटेगी नहीं। बस देखिए तेज़ तेज़ रखिए गैस को इस समय पर, और चलाते हुए जब तक घी ना छोड़ दे वापस से, इसी तरह से पकाइए। बस देखिए दोस्तों इस तरह से अच्छे से भुनाई कर लीजिए मसाले की, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम पानी का यूज करेंगे, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए, पर एक कप पानी का जरूर यूज करिए इस समय पे। थोड़ा सा समय लगेगा मिर्चों को पकने में भी, 7-8 मिनट, और इसको मिक्स करिए अच्छे से, एक उबाल आने दीजिए इसी तरह से। बस इस समय पर टेस्ट कर लें नमक मिर्ची वगैरह, अगर आपको कम लगे तो यूज कर दें, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है इसमें। अभी ये पकनी शुरू हो गई है, अब हम इसमें अपनी मिर्च सेट कर देंगे जो हमने भर के रखी हैं, धीरे धीरे पकेंगी बस वो इसी तरह से, और आँच को एकदम सिम पे ही रखेंगे। बस इस तरह से लगा दें इनको एक तरफ से पहले, और बीच बीच में उल्टे पलटे रहेंगे 3-4 मिनट में, क्योंकि हमने इसमें 4-5 काजू का भी यूज़ किया, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं भले ही हमारी कढ़ाई नॉन स्टिक भी हो। थोड़ा सा इधर उधर खिसकाते रहेंगे जब तक ये पानी अच्छे से सोख ना ले पूरा, मतलब जल ना जाए, तब तक अच्छी सी हो जाएगी हमारी ग्रेवी एकदम गाढ़ी सी, और बढ़िया से पक जाएंगी। ये चेक करेंगे हम बीच बीच में, अभी ढककर पकाएंगे इसको। बस थोड़ी सी ग्रेवी स्पून वगैरह से इस तरह से ऊपर से भी डाल दें, और अच्छे से पकने दें इसको। बीच बीच में जैसे मैंने बताया, ज़रूर से चलाते उल्टे पलटते रहें, उल्टने पलटने से बिल्कुल भी अलग नहीं निकलेगी इनकी स्टफिंग, बल्कि चारों तरफ से बढ़िया से पक जाएंगी, कच्ची भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ठीक ठीक पकाइए इनको, बस ढक देते हैं इसको, चाहे तो आप इसका छेद भी बंद कर सकते हैं। देखिए इस तरह से स्पैचुला से इधर उधर खिसका दीजिए, बाद में जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए ये। बस ढक दिया है मैंने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों 8 मिनट हो गई हैं, हमारी बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार है। हल्का सा चेंज हुआ है हमारी मिर्ची का कलर, इतना तो हो जाता है, बिल्कुल एकदम जैसे मैंने शुरू में ही बताया, एकदम ग्रीन तो नहीं रहता है, और मैंने कई बार उल्ट पलट दिया है बीच बीच में। बस इसी तरह से बनाइए, यदि आपको ज़्यादा थिक करना है तो थोड़ी देर खुला करके इस तरह से पका दीजिए चलाते हुए। और चलिए बस सर्व करेंगे, कुछ चीज़ें सर्व करते समय हम डाल देंगे इसके ऊपर से, ताकि और भी अच्छा लगे। तो लीजिए दोस्तों हमारी मज़ेदार सी शाही भरवा मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आपको शुरू में लग रहा होगा कि काफ़ी घी तेल है, सारा सोख लेती है बाद में, इतना तो ज़रूर चाहिए अगर आप बढ़िया तरीके से बना रहे हैं तो, जितना मैंने डाला है, और इतनी चीज़ें भी आपको ज़रूर डालनी पड़ेगी, इतनी मसाले, ये कम से कम 4 लोगों के लिए काफ़ी होगी दोस्तों। पहले ग्रेवी डालिए इसी तरह से, और बाद में ऊपर से मिर्ची रखिए।
आप इसको पूरी, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि चावल के साथ भी खा सकते हैं। और कोई मेहमान आए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पनीर ही बनाए, इसको भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत शाही बनती है दोस्तों, यकीन मानिए, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। बस देखिए, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा पनीर छिड़क दीजिए ऊपर से, अच्छा लगेगा। इस तरह से हल्का सा ग्रेट कर दीजिए, उससे क्या दिखने में सुंदर लगती है। बस कितना कम सा डाला है मैंने, आप देख रहे होंगे। और थोड़े से हरे धनिए से सजा दीजिए, दिख रही है ना, एकदम बढ़िया टेम्पटिंग। आप भी ज़रूर से बनाइए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए दोस्तों। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे मैंने शुरू में कहा, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बनिए ना एकदम मज़ेदार। बस देखिए, इस तरह से एक मिर्ची रख दीजिए, थोड़ी सी ग्रेवी, इसी तरह से सर्व करिए, एकदम खुश हो जाएंगे बच्चे भी जब आप इस तरह से खाना बनाकर परोसेंगे। मिलेंगे एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू।